कई लोग 14 प्रो प्रो मैक्स के लॉन्च के बाद 13 प्रो प्रो मैक्स की तरफ जाने की सोचेंगे, क्योंकि एक बड़ा प्राइस डिफरेंस आएगा और एक प्राइस ड्रॉप भी होगा। 2022 का सबसे जबरदस्त फोन थे ये दोनों ही। अगर आप नए हैं तो वीवो की नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर नोटिफिकेशन बेल नहीं दिख रही है, पहले सब्सक्राइब का बटन फिर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। टेक न्यूज, आईफोन हो गया, आपके मोबाइल्स हो गए, आपके कैमराज हो गए, सब चीजों पर अपडेटेड टेक लाते रहते हैं। आइए आगे इस वीडियो में देखते हैं, शुरू करते हैं फीचर्स के साथ। आईफोन सीरीज के बेस्ट कैमरा इन दोनों मोबाइल फोन्स में है। अभी लाइडार स्कैनर भी आ रहा है, ये क्या होता है आगे वीडियो में है। आईफोन 13 प्रो प्रो मैक्स में हम लोग मैक्रो फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। अब डिस्प्ले पे आते हैं। 13 प्रो में आपकी 6.1 इंचेस की डिस्प्ले है, 13 प्रो मैक्स में 6.7 इंचेस की। ये दोनों ही आईफोन्स काफी ज्यादा ब्राइट है, मतलब 1000 निट्स, वाकई में काफी ज्यादा ब्राइटनेस होती है। और HDR में अगर आप कुछ भी वीडियो प्ले कर रहे हो तो उसमें ये 1200 निट्स तक के आप जो है वीडियो देख सकते हो। ये ब्राइटनेस ऐसी होती है कि आप ऐसे समझो कि जब आप धूप में खड़े हो, आप मोबाइल देख रहे होते हो, तो स्क्रीन आपको एकदम क्लियर दिखती है। अब चिपसेट पे बात कर लेते हैं। अब तक का सबसे पावरफुल एप्पल का चिपसेट अगर कोई रहा है तो वो A15 बायोनिक रहा है। अभी A16 जब आएगा तो होपफुली वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल चिपसेट रहेगा, मगर ये वाला चिपसेट A15 बायोनिक वाकई में पावरफुल था। जो आपकी जो इमेज प्रोसेसिंग होती है, आपका जो वीडियो क्वालिटी आप देखते हो, जो फोटोज आप खींच पाते हो बहुत ओरिजिनल, बहुत अच्छी दिखने वाली, वो इस प्रोसेसर की वजह से होता है, इस चिपसेट की वजह से। आईफोन 13 प्रो प्रो मैक्स के कैमरा पे बात करते हैं। इनके कैमरे वाकई में बहुत ज्यादा एडवांस हैं। अभी हम लोग इसमें मैक्रो फोटोज भी खींच सकते हैं। कैमरे के स्पेसिफिकेशंस पे आते हैं। इसमें 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है 3x ऑप्टिकल जूम के साथ, मतलब आप जूम को 3 बार तक जूम कर सकते हो, और इसमें भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। इसमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो ज्यादा एरिया कवर कर सकता है, और इसी कैमरे से आप मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हो, मतलब जो बहुत नजदीक के शॉट्स होते हैं ना, कोई भी आप बहुत छोटी चीज का फोटो लेना चाहते हो बहुत करीब से, तो वो भी आप इस कैमरे से ले सकते हो। नजदीक का शॉट, इतना नजदीक का मतलब 2 सेंटीमीटर के गैप तक की फोटो आप बहुत क्लियर ले सकते हो। और फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का कैमरा है जिससे सेल्फीज आपकी बहुत अच्छी आती हैं। इसमें 4K वीडियोस भी आप 60fps पे शूट कर सकते हो। इन दोनों आईफोन्स के कैमरे मॉड्यूल में हमको लाइडार स्कैनर भी देखने को मिलता है। आप नीचे की तरफ देखो तो मुझे एक छोटा सा एक गोल होता है ना, वो लाइडार स्कैनर होता है। लाइडार स्कैनर रात में फास्ट ऑटो फोकस करने में इस्तेमाल होता है। ये क्या, देखो लाइडार स्कैनर इंफ्रारेड रेस की हेल्प से ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जिससे लो लाइट में भी ऑटो फोकस आराम से हो जाता है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग्स पे बात कर लेते हैं। 13 प्रो प्रो मैक्स में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए काफी अच्छे और एडवांस फीचर्स आए थे। जैसे 13 की सारी सीरीज में हम लोगों ने सिनेमैटिक मोड देखा है, वो चीज इसमें भी है। सिनेमैटिक मोड में क्या होता है कि मतलब सामने की जो इमेज आप वीडियो देख रहे हो, जैसे प्रेजेंट वीडियो जो शूट हो रही है, ये भी सिनेमैटिक मोड में हो रही है। इसमें फ्रंट का जो भी इमेज होती है वो क्लियर आती है, बैक की चीजें ब्लर हो जाती हैं, इसमें भी है। मगर इसमें आप 1080p की 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे ही शूट कर सकते हो। इसमें प्रोरेस करके भी एक फीचर होता है जो सिर्फ 13 प्रो प्रो मैक्स में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। प्रोरेस होता क्या है? प्रोरेस एक्चुअली में वीडियो जो भी आप शूट कर रहे होते हो, वीडियो का फिर एक जो है नॉर्मल साइज होता है कि जैसे वो इसमें जैसे आपका 1GB की वीडियो बनी या वो बनी, आप 4K में शूट कर रहे हो तो हो सकता है 2GB 3GB की भी वीडियोस आपकी शूट हो जाएं। मगर आप उन वीडियोस का साइज कंप्रेस कर सकते हो बिना उनकी क्वालिटी या कलर में कोई भी जरा सा ऑल्टरेशन किए। इन दोनों ही फोन से हम लोग मैक्रो वीडियोस भी शूट कर सकते हैं। अब इन दोनों फोन्स की बैटरी पे आते हैं। दोनों ही फोन्स में बैटरियां कमाल की, मतलब आप ये समझो कि जितनी बैटरी इसमें प्रो मैक्स में इन लोगों ने दे दी है, उतनी बैटरी मेरे ख्याल से शायद कोई फोन नहीं दे रहा है। 13 प्रो में 3095 mAh की बैटरी है जो लगभग 8.5 घंटे का जो है स्क्रीन ऑन टाइम देती है। 13 प्रो मैक्स में 4352 mAh की बैटरी है, मतलब देखो 5000 mAh की भी बैटरी नहीं है, मगर बैटरी बैकअप 10 घंटे का देता है। मतलब ये इतना किसी मोबाइल फोन में नहीं आ रहा है। एंड्रॉयड, मतलब देखो डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मगर एक लॉजिकल सी चीज़ है, 5000-6000 mAh की बैटरी दे रहा है मगर 4-5 घंटे से ज़्यादा का बैकअप नहीं आ पाता है उसमें। ये दोनों ही फ़ोन आधे घंटे में 50% चार्ज हो जाते हैं 20 वॉट के चार्जर से। ये दोनों ही फ़ोन्स IP68 रेटेड है, मतलब वाटर और डस्ट से ये बचे रहेंगे। स्प्लैश अगर कभी पड़ जाता है आप जिम में यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मेरे हिसाब से ये दोनों फ़ोन्स अच्छे हैं, और बहुत से फ़ोन्स ऐसे आते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं चलता है। अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए। यार ये क्या कर दिया हमने, हाथ पे क्या कर रहे हैं हम? हाँ सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो। अब 13 प्रो मैक्स में 13 प्रो देखो तो अभी आओ।